हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई मैथ्स प्रेमी। आज के इस वीडियो में देखेंगे गेट 2018 के कुछ कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, गेट 2018 में एक क्वेश्चन आए हैं एक स्केलर फंक्शन का क्वेश्चन आया था। स्केलर फंक्शन दे रखा था फाई इक्वल टू एल एन आर, ठीक है। और तो डेल पूछ रहा था डेल फाई की वैल्यू, डेल फाई, और आपको पता होगा डेल का फॉर्म इस तरह से चलते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन इस तरह से डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के इस तरह से चलते हैं, डेल अपॉन डेल जेड के होते हैं, ठीक है। अगर फाई है तो डेल अपॉन डेल एक्स फाई आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई फाई जी प्लस डेल अपॉन डेल जेड फाई के इस तरह से। और आपको पता है फाई की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है एल एन आर, तो एल एन आर आप फाई की जगह पर एल एन आर पुट कर सकते हो। तो एल एन आर सारे जब फाई फाई जहाँ सारे भी जगह पे एल एन आर पुट कर लेंगे, एल एन आर मतलब डेल डी अपॉन डी एक्स डेल सॉरी डेल डेल एल एन आर अपॉन डेल एक्स इस तरह से एल एन आर सारे में एल एन आर पुट कर दिए, ठीक है। अब एल एन आर की बात करूँ तो फिर इसमें आर की भी वैल्यू दे रखा है, देख लो आप आर की वैल्यू दे रखा है आर, ठीक है। एक्चुअली ये मॉड आर की बात है, ये मॉड आर या आर बोल सकते हैं इसको, केवल आर। तो इस तरह से क्योंकि वेक्टर में तो इस फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह से हैं, तो आप आर की वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का रूट इस तरह से ए लेना, ठीक है। फिर इसको भी ऐसा ही करेंगे सेम एग्जैक्ट एट इज सेम ही इसमें भी सेम। अब इस क्वेश्चन की बात करूँ, लॉग की लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद रूट वाला जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट के अंदर वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सिंपल देख लो, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन क्या लॉग, मतलब लॉग के अंदर जो भी है वो नीचे चला जाएंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद इसकी बात देखूँ, फिर रूट एक्स की बात है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखा हूँ तो अब वन अपॉन रूट एक्स है, टू रूट एक्स होते हैं, तो वन अपॉन टू रूट एक्स के अंदर जो अंदर वाला पार्ट जितना भी है वो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन अंदर वाला पार्ट को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी को कांस्टेंट मान के जीरो कर देना है, तो टू एक्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स हो जाएंगे, बाकी सब पार्ट जीरो, तो मल्टीप्लाई कर दिए इसको वैसा ही प्लस है तो प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये वाली पार्ट को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लॉग वाला टर्म होगा वन अपॉन वाई हो जाएंगे, मतलब वन अपॉन जो भी टर्म है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स हो गए। फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई की बात करो टू वाई इस तरह से। अब फिर वाई जेड जेड में भी ऐसा ही कुछ जेड में, तो फाइनली टू टू वाला पार्ट सब सारे में कॉमन कट जाएंगे, थे टू टू कट गए, टू टू कट गए इसमें भी कट गए, और जेड वाला पार्ट में भी टू जेड था, यहाँ पे नीचे भी टू था, टू टू पार्ट कट कट गए, तो यहाँ बचा कितना एक्स रूट इंटू रूट कितना रूट इंटू रूट एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है एक्स होते हैं, ठीक है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होते हैं ना। तो देखो यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स या रूट एक्स इंटू कुछ भी रूट एक्स प्लस वाई कुछ भी हो इंटू रूट एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या एक्स प्लस तो क्या होगा एक्स प्लस वाई ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो गया हट गया, आई है तो आई लिख दिया, जिस तरह ये फॉर्म भूल देने वाली बात नहीं है, सारे में आई कमाना सब में आई होंगे, आई इसमें भी आई होंगे सर, इसमें जे होंगे इसमें के होंगे, इसमें आई इसमें जे और के सॉरी के इस तरह से। तो आई जे के वाला पार्ट छोड़ेंगे नहीं, मतलब लिख देंगे लिखते जाएंगे, तो क्या होंगे इसके इसके ऊपर में एक्स आ गए नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि रूट खत्म हो गया, ये पहले प्लस हैं तो प्लस, फिर बाई अपॉन आ जाएंगे क्योंकि बाई अपॉन वाला क्योंकि टू टू वाला पार्ट खत्म हो गया, और रूट वाला रूट 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होंगे ना, बाई जे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ जे है, फिर जेड में वैसा ही कुछ है के आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो दिनों का डिफरेंस दिनों का
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सॉरी तीनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गए ठीक। फिर इसके बाद एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप देख। अब क्या करेंगे इसमें कि एक एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप ऑलरेडी पढ़ चुके, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर ऑलरेडी पढ़ चुके आर ठीक है। तो आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर आर लिख सकते हो, आर लिख दिया ठीक है। आप एक बार ध्यान देने वाले कि लेकिन मॉड आर बराबर क्या देखा है, मॉड आर या बोल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ आर बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट दे रखा है। तो देखना यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट खत्म हो जाएगा। देख लो आर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो एक्स मतलब मॉड आर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में तो एक्स एक्स वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था, तो ऊपर वक्टर मतलब वेक्टर आर लिख दिया, नीचे में वेक्टर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप सिंपली आर डॉट आर भी लिख सकते थे, नीचे वाला पार्ट की बात करूँ तो आर डॉट आर ही यही होता है सिंपल ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए आर डॉट आर मतलब फाइनली वेक्टर आर ऊपर में नीचे में वेक्टर आर का स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट आर की बात करूँ तो आर स्क्वायर हो गए और आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ऑलरेडी अपन नीचे दे रखा नीचे में वैल्यू है, तो इसका आंसर स्माइली हो गया ठीक है। ऑप्शन में ए बी इस तरह से दे रखा था तो ऑप्शन सी आंसर इस ठीक है। फैक्टर आर बटे वेक्टर आर बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इसका स्क्वायर हो जाएंगे, ये आंसर आपका फाइनली ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ए हीट एक फॉर्म दे रखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, मतलब एक फॉर्म दे रखा है तो पूछ रहा था ना कि किस कौन सा फॉर्म है, ये वेव इक्वेशन है या हीट इक्वेशन है या लैपलेस इक्वेशन है या एनर्जी इक्वेशन है। तो आप अगर पढ़े होंगे लैपलेस इक्वेशन पढ़े होंगे तो उसमें हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन के फॉर्म होते हैं, तो उसका इजी वे भी बता सकते हो कि क्वेश्चन सिंपल था क्वेश्चन। तो इसके ये एक्चुअली क्या है ना कि हीट इक्वेशन का फॉर्म है, हीट इक्वेशन का फॉर्म है, हीट इक्वेशन का फॉर्म है। तो ये आप सिंपली आप मतलब ये सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये किस फॉर्म का है, मतलब लैपलेस का है या हीट का है या लैपलेस हीट या वेव या एनर्जी का है फॉर्म। तो आप सिंपली ये हीट इक्वेशन का फॉर्म है तो ये आप सिंपली हीट टिक करते हैं ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।